स्टार्टअप्स के फेल होने की बिल्कुल यही वजह होती है कि लोग जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते और उन्हें पेशेंस नहीं होता बिल्कुल भी ये वेट करने का कि थिंग्स एक्चुअली टेक्स टाइम। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे ऐसा नहीं होता कि आपको जो है फौरन ही उसका जो है फ्रूट मिल जाए, कभी कभार जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार ये बिजनेस तो जो है वो चलेगा वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इसमें हमें जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा एंड दे क्लोज इट अप। यही ज्यादातर यही वजहबात होती है फेल होने की। लोगों में जो है थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और हार्डवर्क जो है वो कॉन्स्टेंट रखें और नियत साफ हो तो मैं समझता हूँ कि कोई बिजनेस जो है वो फेल नहीं हो सकता है। देखें अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बिजनेस में हमारा बिजनेस बहुत छोटा है लेकिन चूंकि हमने जो है कंसिस्टेंसी से काम किया है माशाल्लाह से हमें कुछ 8 मंथ्स हो गए हमने फर्स्ट जैन से स्टार्ट किया था 2019 से। तो और हमें स्टार्ट में कोई भी नहीं आता था सिवाय हमारे जो है डिपार्टमेंट के लोगों से। आज माशाल्लाह से हमें जो है दूसरे यूनिवर्सिटी से हमें लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, दूसरे सिटीज से हमें लोग जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने जो है काम अपनी मेहनत से किया और हमने अपनी मेहनत से अपना नाम जो है वो जगह जगह जो है वो फैलाया। तो मैं रेफरेंस टू हाइब्रिड में ये बात करने का चाहता हूँ न्यूकमर्स को कि बिजनेस स्टार्टअप एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस बात हुई होती है आपको इनिशिएट करना होता है, आपको नियत लेनी होती है, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हर चीज़ कुछ बहुत आसान हो जाती है। जब हमने स्टार्ट किया था वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रिंटिंग सर्विस, बस लोरी गैलरी हमें लर्न करा, हमने मार्केट रिसर्च करी, उसके बाद हम इस लेवल पे हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं भाई ये इस तरह बिजनेस होता है ये। तो मैं लोगों को गाइड करूंगा अगर कोई बिजनेस में आ रहा है तो उसको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखें, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखें। प्राइमरी सोर्स वो इनकम उसके पास एक होनी चाहिए जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लगा के उधर करें। कभी भी इसको इतना ज़्यादा हाई क्रिएट स्पेशली उन बच्चों की बोल रहा हूँ जो इंडस्ट्री स्टूडेंट हैं जो मतलब जो चाहते हैं कोई एक्टिविटीज करने की, तो उनके लिए ये है कि वो प्राइमरी तौर पे कोई और एक्टिविटी करें जिससे वो पैसा अर्न करें और उस पैसे को ट्रांसलेट करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो उस तरह उनके बर्डन भी कम आएगा, प्रेशर भी कम होगा और उनका माइंड सेट भी थोड़ा हल्का रहेगा। मैं कहना चाहूँगा कि आजकल का जो रुझान है वो ज़्यादातर अब जॉब बेस्ड मतलब इनकम नहीं रह गई लोगों की। अब ज़्यादातर लोग चाहे वो जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हों अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसा रुझान आ रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर तो कोर्सेज कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो कि पहले नहीं थे, लेकिन अब इस तरह का लोगों के अंदर इस तरह चाहे वो कहीं भी जॉब कर रहा है पूरी दुनिया में इस तरीके से आ रहा है कि अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए भले छोटा या बड़ा। तो हर उम्र के लोग इस तरफ हो रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं। तो इसमें इस तरह के चैनल लाइक सोशल पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है कि ये यहाँ से आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेस प्रोग्राम्स के आइडियाज मिल सकते हैं कि आप भी इस तरह कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करें। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आइडियाज लें।